हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दियारा डायरीज। आज का वीडियो है बेबी मस्ट मेडिसिंस पे, 0 से 1 साल तक के बच्चे की मेडिसिंस जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं और आपके घर में होनी ही चाहिए। यदि ये मेडिसिंस आपके घर में होती हैं तो आपको डॉक्टर के पास हर छोटी छोटी परेशानी के लिए भागना नहीं पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगी कि ये सारी मेडिसिंस मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और डॉक्टर के सजेशंस के हिसाब से रिकमेंड कर रही हूँ। यदि आपको इन मेडिसिंस को यूज करने में कोई भी डाउट है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के मस्ट हैव मेडिसिंस में। पहला प्रोडक्ट है ये हींग रोल। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी दादी, नानी, मम्मी वगैरह से सुना ही होगा कि बच्चे को यदि पेट दर्द है, उसको कब्ज हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो आप उसके पेट पर हींग लगा दीजिए, जिससे कि उसका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, जब मैंने दियारा को पेट पर हींग लगाया तो उसके पेट पे थोड़े रैशेज हो गए थे। तो मैंने काफ़ी गूगल पे सर्च किया कि इसका क्या रेजोल्यूशन हो सकता है, इसका क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो मुझे मदर स्पर्श का ये हींग रोल मिला जो कि 0+ मंथ से रिकमेंडेड है। ये और भी ब्रांड्स जैसे कि मामा अर्थ वगैरह में भी आता है, बट वो 3+ मंथ से रिकमेंडेड होता है। तो आप अपने ब्रांड और बेबी के एज के हिसाब से वो प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सुपर प्रोडक्ट है जो कि रेडीमेड अवेलेबल होता है, जैसे कि आपको हींग को घिसना, उसको पेस्ट बनाना, वो सब प्रॉब्लम्स भी नहीं होती है। प्लस इसके अंदर और भी बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके बेबी के कॉन्स्टिपेशन, पेट दर्द में हेल्प करते हैं, वो सब प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे कि सौंफ, पुदीना, सौंठ, सारे ही नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो कि बेबी को बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इस प्रोडक्ट का MRP 249 रुपीज़ है और ये ऑनलाइन बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में भी अवेलेबल हो जाता है और पूरा बेबी के लिए ये एक रोल सफिशिएंट है। बेबी की मस्ट हैव मेडिसिंस में दूसरा प्रोडक्ट है ये मुगली घुट्टी और ये कोलिक एड। मुगली घुट्टी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसको कि ट्रेडिशनली भी लोग बहुत यूज करते हैं। कोलिक एड उसी का एक एलोपैथी वर्जन है। बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हो रहा होता है और उसका खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इस केस में बेबी को वॉमिटिंग का प्रॉब्लम होने लग जाता है, तो उसके लिए आप बेबी को दिन में 2 बार ये मुगले घुट्टी चटा सकते हैं। इस मुगले घुट्टी को चटाने के लिए लोगों को डाउट रहता है कि हमें ये पानी में मिलाकर देना पड़ेगा, बट डॉक्टर जनरली मना करते हैं कि छोटे बेबी को पानी नहीं पिलाना है। उस केस में आप इसको डायरेक्टली बेबी को चटा सकते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, बेबी आराम से इसको ले लेता है। मुगली घुट्टी की तरह ये कोलिक एड भी सेम काम करता है। ये भी नेचुरल प्रोडक्ट्स का बना हुआ होता है जो कि बेबी के लिए काफ़ी सेफ रहता है और डॉक्टर्स भी इसको रिकमेंड करते हैं। तब चाहे तो बेबी को मुगली घुट्टी की जगह कोलिक एड भी दे सकते हैं। इसको दिन में हम 4 बार तक दे सकते हैं। दोनों ही बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। मैंने दोनों ही यूज़ करके देखे हैं और दोनों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा बेबी की मस्ट हैव मेडिसिंस में ये क्रॉसिन ड्रॉप्स भी हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि एनवायरनमेंट में चेंज के कारण या फिर वैक्सीनेशन के कारण बेबी को फीवर हो जाता है तो आप उसको घर पर इजीली दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बेबी की मस्ट हैव मेडिसिंस में नेक्स्ट कैटेगरी है कोल्ड एंड कफ मेडिसिंस, जिसमें कि सबसे पहला, सबसे यूजफुल प्रोडक्ट है ये सेलाइन नेजल स्प्रे। ये सेलाइन वाटर का बना हुआ होता है और एज पर डॉक्टर्स इसको हम दिन में कितनी भी बार दे सकते हैं। बच्चे की नोज जब ब्लॉक होती है तो उसको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। मैंने पर्सनली इसको 10 से 12 बार दिन में यूज किया है, बहुत ही सेफ है। तो एज ए मदर मैं इस प्रोडक्ट को हाईली रिकमेंड करती हूँ। ये आपके पास बेबी के लिए होना ही चाहिए। नेजल स्प्रे के अलावा यदि बेबी को कंजेशन हो गया है, वो ब्रीदिंग में उसको प्रॉब्लम हो रहा है और नेजल स्प्रे से रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप बेबी बिक्स भी यूज कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट है। मैंने इसको काफ़ी बार यूज़ किया है और बहुत ही यूजफुल होता है। इसको हम लोग नॉर्मली जैसे विक्स लगाते हैं, बच्चे को भी उसी तरह से विक्स लगा कर हम लोग रख सकते हैं, बेबी को रिलीफ मिल जाता है। बेबी को यदि नेजल स्प्रे से भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, विक्स लगाने के बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा है और उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है, तो आप टिमिनिक ड्रॉप्स आती हैं जो कि बहुत से डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हैं। आप 1-2 दिन में उससे आराम पड़ जाएगा। मैंने पर्सनली इसको यूज किया है। ये काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। ये मेडिसिन भी और सभी मेडिसिन की तरह बहुत ही यूजफुल है और आपके ट्रेवल बैग में भी होनी चाहिए। रिसेंटली ही हम लोग ऋषिकेश गए हुए थे और एकदम से वेदर चेंज के कारण दियारा की तबीयत खराब हो गई थी और हमारे पास उस टाइम पे ये टिमिनिक ड्रॉप्स नहीं थी और एरिया ऐसा था कि हम लोगों को ये मेडिसिन मिल भी नहीं पाई थी, उसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि आप इस मेडिसिन को अपने ट्रैवल बैग में भी इंक्लूड करें। तो दोस्तों, ये सब तो हुआ मेडिसिन के बारे में। इसके अलावा इक्वली इम्पॉर्टेंट एक और प्रोडक्ट है जो कि इन मेडिसिन को देने में आपको काम आएगा, वो है ये बेबी ड्रॉपर। ये बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट होता है जिसको कि ज़्यादातर पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं।
फ्रेंड्स, इसकी यूज़फुलनेस के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, कैसे इसको क्लीन करते हैं और ये बेबी के लिए क्यों यूज़फुल है। आप उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों, ये था बेबी मेडिसिन के बारे में कम्प्लीट वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आई विश कि आपको ये कम से कम सारी मेडिसिन यूज़ करनी पड़े, बेबी हेल्दी रहे और अच्छे से ग्रो करे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अदर पेरेंट्स के साथ में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।